आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। Barbados, India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. भारत के आधे सांसद बलात्कारी, हत्यारे। सिंगापुर के पीएम का ये कैसा बयान? जी हाँ, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के भारतीय सांसदों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद मच गया है, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। आपको बताएं कि पूरा मामला है क्या? आपको बता दें कि लंबे वक्त से सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के आधे भारतीय सांसदों के बलात्कारी और हत्यारा बताने पर भारत में जमकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि पीएम ली सीन के इस बयान पर भारत ने सिंगापुर के उच्चायोग से सख्त नाराजगी भी जाहिर की है। सिंगापुर के पीएम ने संसद में दिए अपने भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ भी की थी और उन्हें उत्कृष्ट क्षमता वाला असाधारण व्यक्ति करार दिया। आपको बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए इस विषय पर अपनी संसद में अपना व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी किया। ली ने इस बहस के दौरान ये कहा कि ज्यादातर देश उच्च आदर्शों और महान मूल्यों के आधार पर स्थापित होते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हालांकि अक्सर संस्थापक नेताओं और अग्रणी पीढ़ी से इतर दशकों और पीढ़ियों में धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर राजनीतिक व्यवस्था को उनके संस्थापक नेता पहचान भी नहीं सकेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने और जीतने वाले नेता अक्सर जबरदस्त साहस, महान संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं और वो मुश्किलों से लड़कर राष्ट्र के बड़े नेताओं के रूप में उभरते हैं। उन्होंने डेविड बेन गुरियन, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए उन्हें ऐसा ही एक नेता बताया और कहा कि वो कई मुश्किलों से पार पाकर एक बड़े नेता के रूप में उभरे। इसके बाद उन्होंने भारतीय सांसदों के बारे में अपनी बात कही और ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू का भारत ऐसा बन गया है जहां मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोप लंबित हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। आपको बता दें कि ली के भारतीय सांसदों को लेकर दिए गए बयान पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जाहिर की है और ये भी बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को सिंगापुर के उच्चायोग के समक्ष उठाया है। आपको बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद मीडिया में भी बड़ी संख्या में सिंगापुर के पीएम के बयान को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।